आज हम लोग सब लोग एक सडनली नाइट राइड का प्लान बनाया है। तो देख सकते हो पीछे अभी बाइक्स रेडी हो रही है, मेरी बाइक थोड़ी सामने खड़ी की है, तो बहुत अंधेरा हो रहा है नो। तो अभी हम रोड के साइड में वॉक कर रहे हैं, सब लोग रेडी होंगे और सब लोग पीछे से आ रहे हैं। तो अभी सब लोग रेडी हो गए हैं, निकलेंगे सीधा ढाबे की तरफ। तो सी यू एट ढाबा। इतनी देर से हम लोग चलने के बाद अब हम लोग आए हैं दो ढाबों पर, एक ये था जोधपुर ढाबा और एक हमको ये भी ढाबा लगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं अच्छा लगे या इंटरेस्टिंग लगेगा वहाँ हम लोग रुक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे आओगे तो लाइन में आपके पास बहुत सारे ढाबों के ऑप्शन है और आगे भी चल रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि और क्या मिलता है। फाइनली वी रीच्ड अवर डेस्टिनेशन जो कि है हाईवे कड़क। बीच में हम लोग बहुत सारे ढाबे देखे रुके बट हमारी क्या बोलते हैं जो राइड थी जो मैंने बहुत टाइम पहले की थी, ब्रेकफास्ट जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी वो हम लोगों ने यहाँ पे आए थे हम। तो बैक टू हाईवे कड़क। तो हम लोग पूरा ड्राइव करते हुए आगे हाईवे कड़क पे और सडन प्लान था सक्सेसफुली गाइडेड बाय नरेश सक्सेसफुली डन क्लियर, मतलब जितना रूट पे लेके आना भगाना वगैरह सब नरेश ने किया हुआ। फर्स्ट टाइम कोई अच्छा काम किया ये भी एक बात है, अच्छा ही किया है अच्छा ही किया, लेकिन रोड तो भयानक है। रोड अच्छा मतलब रात को आओ ना तो पता चलता है हाईवे असली हाईवे पता चलेगा, रात को आओ बस ये रूट बस एक ही प्लेस बस बाकी ठीक है। लड़ा गया जाता सीरियसली ऐसे झाड़ रहे ना तो ऐसा डस्ट निकल रहा है, इतनी डस्ट है। अब वीडियो ब्लॉग अब यहाँ पे बढ़िया से चाय वाय पियेंगे, बाइक वगैरह सब रख दी हमने, अब चाय वगैरह पी के तो सडनली रात का प्लान बनता है तो मज़ा आता है। और जब रात का प्लान बने और इतने अच्छे अच्छे लोग आपके साथ हो ना सब राइडर्स मज़ा आ जाता है। तो अभी हम चाय वगैरह पियेंगे फिर कुछ सोचो, मतलब हम राइडर्स हैं, हम ऐसे हैं कि एक कप चाय के लिए हम 50-60-80 किलोमीटर निकल के आते हैं फिर एक चाय पीते हैं चले जाते हैं वापस। तो ये जगह देख लीजिए और भी राइडर्स हैं हमारे साथ, आज हमारी बाइक पे NS SF और CBR है, तीन बाइक है। तो कड़क पे आ गए और आप पीछे देखो हाईवे का व्यू, तो ये देखो हम हाईवे पे आए हैं मस्त, ये है कड़क का व्यू, कड़क चाय। मतलब हम रात को चाय पीने के लिए 80 किलोमीटर दूर आए सिर्फ एक कप चाय के लिए, हाईवे कड़क चाय। मतलब आप अगर ये हाईवे से पास हो रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे जरूर रुकना। अब ये हाईवे कौन सा है मेरे से मत पूछो, मुझे खुद नहीं मालूम, बिकॉज जो नरेश दिखाया था वो हमें लेके आया है यहाँ पे। तो अब हम जाएंगे चाय वाय पियेंगे। तो रात को चाय वाय वगैरह सब करके अब निकल रहे हैं, सबने खा पी लिया, सब अभी खा पी के सब बैठे आराम से, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग निकल जाएंगे फिर यहाँ से निकल के बैक टू हैदराबाद, फिर सब सो जाएंगे, बैक टू नॉर्मल ऑफिस टुमारो मॉर्निंग। सो सी द रिएक्शन इन द नेम ऑफ ऑफिस, इफ somebody फ्रॉम his ऑफिस watching, प्लीज गिव हिम 1 वीक leave.